हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी हम अपने घर पे गिलास में बर्फ डालते हैं तो वो तैरती है, लेकिन जब हम किसी टीवी में ऐड में या फिर मोबाइल फ़ोन के ऐड में देखते हैं कि जब वो अपने गिलास में बर्फ़ डालते हैं तो वो डूब जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि बर्फ़ तैरती है। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि टीवी में जो भी विज्ञापन दिखाया जाता है उसमें पानी या फिर किसी भी ड्रिंक के गिलास में जब वो बर्फ़ डालते हैं तो वो डूब जाती है, जबकि रियल लाइफ में आपने अपने फ्रिज से निकाले गए बर्फ़ को जब गिलास में डाला है तो उसके टुकड़े तैरते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि विज्ञापन वाली बर्फ़ और हमारे घर की बर्फ़ में क्या डिफरेंस होता है। तो साइंस ये कहती है कि बर्फ़ पानी में डूब नहीं सकती, फिर विज्ञापन वाली बर्फ़ कैसे डूब सकती है। तो गाइस, विज्ञापन में जो बर्फ़ के टुकड़े दिखाई चाहते हैं वो असल में असली बर्फ के टुकड़े नहीं होते, बल्कि वो प्लास्टिक के बर्फ के टुकड़े होते हैं। कोल्ड ड्रिंक और फूड प्रोडक्ट के विज्ञापन में इस प्रकार की कई ट्रिक यूज की जाती हैं जिससे आपको देखने में अच्छा लगे, लेकिन असल में बात कुछ और ही होती है। विज्ञान ये कहता है कि बर्फ का घनत्व कम होने के कारण वह पानी में डूबता नहीं है, लेकिन यदि कोई प्लास्टिक के टुकड़े को या कांच के टुकड़े को बर्फ के जैसा बना दिया जाए और पानी में डाला जाए तो वो तुरंत ही डूब जाएगा। तो गाइस, यही रीजन था कि विज्ञापन में जो बर्फ डाली जाती है वो डूब क्यों जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।